नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट फेस टाइपोग्राफी टेक्स्ट पोर्ट्रेट ट्यूटोरियल फोटोशॉप CS3 इन हिंदी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटली कि फेस टाइपोग्राफी में क्रिएट टेक्स्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ें क्या है, बिहाइंड द टूल कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग इसमें किया गया है, कौन कौन से लेयर्सों को कैसे बनाना होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे या किस सॉफ्टवेयर से बनाए जा सकते हैं, क्या ये अपग्रेडेड सॉफ्टवेयरों में बनता है या फिर नॉर्मल सॉफ्टवेयरों में भी बना सकते हैं, ओल्ड सॉफ्टवेयरों में भी बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। बता दूं आपको कि टाइपोग्राफी टेक्स्ट फेस वाली जो मैंने आज बताने वाला हूं, उस चीज का पोस्ट ऑलरेडी मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट thevikkishow.com में पब्लिश कर लिया है। आप वहां जाके जरूर विजिट करें, मैं ऐसा चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट करके हमारे उस पोस्ट में पहुंच सकते हैं, और वहां पर हिंदी में मैंने बहुत सारी बेसिक से लेकर एडवांस तरह की चीजें बताई हुई है। कुछ चीजें वहां पर ज्यादा बता देता हूं, कुछ चीजें यहां पर छोड़ देता हूं, तो वो भी चीजें वहां मैं कवर कर देता हूं। तो वहां जाके आप जरूर विजिट करें और चीजों को देख सके। बाकी कोई चीजें डाउनलोड करनी होगी तो वहां आपको हर वो चीज कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। तो चलिए यार देखते हैं ट्यूटोरियल की तरफ आगे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट किया जाए, ट्यूटोरियल देखा जाए। तो देखेंगे यहाँ पर फोटोशॉप में मैंने ये एक फोटो बनाया हूँ। यहाँ पर मैंने हेलो मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है और मैंने बताया हुआ है। तो इस टेक्स्ट को मैंने कैसे बनाया, बिहाइंड द सीन इस टेक्स्ट को बनाने के पीछे क्या प्रोसेस थी और कैसे कैसे मैंने बनाया, इसको कट कर देता हूँ मैं। अब हम शुरुआत करते हैं शुरू से। तो यहाँ पर एक फोटो लेंगे, ये फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके CS3 में ओपन कर लिया मैंने। अब मैं इसको बड़ा कर देने वाला हूँ। अब देखेंगे ध्यानपूर्वक, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फाइल भी लिखा हुआ है जो कि मैं अभी बोल के बता रहा था आप लोगों को। तो ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है जो कि मैं आप देखेंगे कि कैसे कैसे इसको मैं बनाने वाला हूँ। बिल्कुल आसान है, इजी है, और कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं है हार्ड जो कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े, बिल्कुल सरल है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, पूरे टेक्स्ट को मैंने कर लिया कॉपी, इसको कर देता हूँ कट, बिल्कुल आसानी से कट कर दिया मैंने। फोटोशॉप CS3 ओपन किया हमने। अभी देखेंगे यहाँ पर ये लेयर बना हुआ है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। ये यहाँ पे ये रूलर हटा देता हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है, ये हटा दिया। अब ये जो लेयर है लॉक लेयर है, फर्स्ट लेयर है, सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको डुप्लीकेट करूँगा इस लेयर को। ये डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट हो चुका। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो शो बॉक्स है, ये यहाँ पर एक कोना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ डॉट्स बने हुए हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म के लिए ये देखेंगे। लेकिन मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा अभी ये देखेंगे। इसका चारों कोनों में से बीच ये है, तो यहाँ पे अब मैं रूलर्स लाना चाहता हूँ। रूलर्स क्या चीज़ होती है, तो रूलर्स यहाँ से एक टैगलाइन चलती है कि हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज़ चलती है, इसलिए उसको रूलर्स बोलते हैं। व्यू में गए और ये रूलर्स में क्लिक करेंगे या कंट्रोल आर की बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल आर ये बटन दबाएंगे तो आपका ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ले जाके छोड़ देता हूँ। ये हो गया, बीच में हमारा रूलर्स ला लिया हमने, और ज़्यादा बीच में करना है तो इसको बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद यहाँ बीच में कर सकते हैं। ये बीच में हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, ये चीज़ तो हो गई कम्प्लीट हमारी, लेकिन अभी यहाँ कुछ गड़बड़ी है क्या? नहीं, गड़बड़ी तो कुछ नहीं है भाई, सब कुछ सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ब्लैक एंड वाइट कर दूँ मैं, तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से मैं कुछ लेयर स्टाइल का उपयोग करूँ। यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक बटन दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ क्लिक करने पर आपको ये पॉपअप खुल के ओपन हो जाएगा। ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझेंगे, अभी हमने किस लेयर में रखा था, इस लेयर पर रखा था, और ये बॉक्स में क्लिक करके ये चीज़ लाया है, तब जाके बॉक्स आया है, और इस बॉक्स को ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर ये जो बीच वाला है इसको यहाँ से इधर कर देंगे लास्ट में, यहाँ तक के लाना है, ठीक है, यहाँ पे लाना है, तो फोटो ऑटोमेटिक ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। चलो मैं इसको लाता हूँ, ये चीज़ किया, इसको इधर उठा के कम कर दिया, ब्लैक एंड वाइट हो गए। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ मैंने किया हुआ है कि ये जो फोटो है, ये फोटो को ओरिजिनल रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक इफेक्ट चलाया, अगर इसको बंद कर दूंगा तो फोटो ओरिजिनल है मेरी। ये चीज़ हो गया, अब ठीक है, ये सही हुआ। अब ये रूलर्स लाइन क्यों लाया भाई आपने, तो बता दूं कि रूलर्स लाइन इसीलिए लाया था मैंने, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल टूल है, ध्यान से देखेंगे, ये रेक्टेंगल टूल है हमारा। यहाँ पर आपको चीज़ें समझाने में थोड़ी सी आसानी हो, ये रेक्टेंगल टूल है, ये इस टूल का उपयोग इसीलिए करूँगा ताकि ये जो रोलर्स लाया हूँ मैंने,
इस रोलर्स को सिलेक्ट ऐसे ही करूंगा मैं, जैसे ये रेड कलर का लाइन बनाया हुआ है ऐसे ही सिलेक्ट करूंगा मैं उसको। तो ये रेक्टेंगल टूल से ये वाला टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इधर से ऐसे लेफ्ट बटन दबा के ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, तो बाय डिफॉल्ट ये रोलर्स के साथ साथ अटैच हो चुका है। देखेंगे जूम करके यहाँ तक के फिक्स हो गया है। फिक्स हो जाने के बाद मैं अब क्या करूँ मैं, तो यहाँ से एक नया लेयर लेंगे, यहाँ क्लिक करके देखो क्रिएट ए न्यू लेयर लिखा हुआ है, नहीं तो फिर लेयर में जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेयर बनाना चाहते हैं एक डुप्लीकेट वाला, क्या नाम से बना दूँ मैं, कोई भी नाम बना सकते हैं ये चीज़, या रहने दो नॉर्मली ठीक है। अभी ये चीज़ तो हो गई, अब इस लेयर को तो ब्लैंक लेयर है, कोई काम का ही नहीं है, तो इसको हम अल्टर का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से और बैक स्पेस, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए जो बैक का बटन दबाते हैं वो वाला बैक स्पेस दबाएंगे, तो ये चीज़ ब्लैक हो जाएगी, ये चीज़ हो गई। लेकिन आपको क्या समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोगों को आपको समझ में आ गई अलग बात है, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो इसको हम वापस से हिडन कर देते हैं और एक नया लेयर बनाते हैं, वापस एक नया लेयर बनाएं और यहाँ पर फिर से चलो डिलीट ही कर देते हैं, इस लेयर को हमने डिलीट कर दिया ठीक है। अब वापस हम एक नया लेयर बनाएं और यहाँ ओके कर देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एडिट में गए, फिल किए, फिल माने भरना होता है, फॉर्म फिल करना का मतलब भरना होता है ना, वैसे वाला फिल है, फिल किए ब्लैक कलर, ओके कर दिया, ये फाइनल पूरा ब्रेक ब्लैक हो चुका है। अब इसको उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी थी तो क्या करते आप, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहाँ से इतना काटते और एक नया लेयर यहाँ से बना लेते हैं और यहाँ से फिल कर देते ब्लैक कलर, बिल्कुल ईजी था, इतनी बात हो जाती। जब भी अपन ने अल्टर दबा के बैक स्पेस दबा के भी यही चीज़ किया और लेयर बना के फाइल फिल किया तो भी यही चीज़ किया, एक ही बात है दोनों तरफ। लेकिन अब देखेंगे ये चीज़ तो कर लिया, दोनों ही पोजीशन में आपको समझाना मेरा काम है, दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दिया है, आगे आपको समझना है नहीं समझना वो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये टाइम वाला टेक्स्ट बटन दबाएंगे तो हमारा टूल आ जाएगा, ये टाइप टूल, तो इसको टेक्स्ट को क्लिक कर दूंगा। देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो जब भी हमने कॉपी किया था कुछ वर्ड्स तो वो वर्ड्स को हमको यहाँ लिखने होंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ ठीक है। थोड़ा बड़ा और कर लेता हूँ, 30 में ला लेता हूँ इसको मैं और इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया वैसे यहाँ पर ये चीज़ें आ चुकी, यहाँ से जो जो चीज़ मेरे को लग रही वहाँ से मैं ये चीज़ों को इधर ला ले रहा हूँ, इंटर करके यहाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है। ये मैंने सेटिंग किया हुआ है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में गड़बड़ी आ सकती है, ऐसा मैं पहले भी बताया हुआ है और अभी बता रहा हूँ। ये देखेंगे टेस्ट कैसा दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है तो, क्योंकि हमने इस टूल को रिसेट किए थे जब, है ना। तो ये अब इसको कैसे सुधारेंगे, तो यहाँ कंट्रोल के बटन के साथ ऐसा खींच सकते हो डायरेक्ट तो ये खींचा जाएगा, लेकिन हमको वैसा करना ही नहीं है, हमको क्या करना है अपने हिसाब से करना है, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर 30 में लाया और ओके कर दिया, अभी सिलेक्ट किए, विंडो में गए और यहाँ कैरेक्टर का बटन है, ध्यान से देखना अपने को, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अभी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट लिखा बस है, बाकी कुछ भी नहीं किया। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको कंट्रोल से और इसको बड़ा करूँगा मैं, देखेंगे इधर देखेंगे तो बड़ा हो रहा है और इसको नीचे करूँगा तो देखेंगे कि चौड़ा हो रहा है ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ तो ये अपनी जगह छोड़ के थोड़ा सा पोजीशन ले चुका है, देखेंगे ध्यान से ये चीज़ हो गई। अब ये पोजीशन में भी ला लिया मैंने, ध्यान से देखता हूँ मैं इसको, कोई भी गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है, ये चीज़ हो गई और ये इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी नहीं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, बस इतना पर्याप्त है और इसको यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, यहाँ से ये ब्लैक जो कलर छोड़ा था इसको चालू कर लूँगा मैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, कब तक बड़ा करूँगा, जब तक ये इधर पे जो ये बाल दिख रहे हैं यहाँ से ये जो जगह दिख रही है यहाँ तक मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ तक मैं इसको ला लूँगा और ओके कर दूँगा ठीक है। ध्यान से देखेंगे इधर चीज़ें समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ये ला लिया मैंने और यहाँ पर इधर भी देखेंगे, इधर भी थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा मैं क्योंकि मुझे लगता है कि इधर बराबर रहना चाहिए, इसलिए अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, लगभग हो गया ओके। अब ये चीज़ तो कर लिया मैंने, ये क्या कर लिया आपने, कुछ भी कर लिया भाई ठीक है, जैसा भी करे बेहतर करे, हमारे हिसाब से बेहतर है, ये चीज़ हो गई अब ठीक है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर को क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट लिया हूँ तो यहाँ नया लेयर बना हुआ है, कंट्रोल की बटन दबा के रखूँगा, अरे टाइम वाले टी के ऊपर सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, दबाऊँगा बटन लेफ्ट बटन तो ये सिलेक्ट, अब इसका काम हो चुका है, इसको डिलीट कर दो तुरंत, डिलीट हो गया। लेकिन ये सिलेक्शन को रखे रखना है हमको, अब ये लेयर जो आया है इसको डिलीट का बटन दबा देंगे या फिर यहाँ पर क्लियर, क्लियर माने हो जाता है, या कट भी करेंगे एक ही बात है, कट कर दो, क्लियर कर दो, डिलीट करो, कुछ भी कर दो, ये क्लियर कर देता हूँ। क्लियर जैसे ही करा वैसे ही आपके सामने एक बेहतरीन टेक्स्ट आके दिख गया है यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से देखना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये जो चीज़ थी
ये मैंने क्या लिया था, टेक्स्ट टाइप करके हो गया था मेरा, लिख लिया था जो लिखना था मेरे को, जैसे लिखना था, जो जिस पोजीशन में मेरे को वर्क करना था अपना, वो मैंने कर लिया था। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बाकी सही है। ये चीज़ मैंने कर लिया था अपने हिसाब से, और जो भी किया था बेहतर किया था मुझे लगता है। उसके बाद में अगर मेरे को कंट्रोल के साथ बटन दबाऊँगा टाइम में, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद में इसको हटा देता हूँ, इसमें जाके डिलीट का बटन या कट का बटन कर देता हूँ। एक ही बात हो गई, पूरी बात एक ही है, ये हो गया। अब मैं ये जो लेयर है, अब ये क्या कर दिया आपने बोलेंगे, तो ये जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, इसको और इसको मर्ज कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे और ये मर्ज हो गया लेयर, एक लेयर है ना। अब इसके नीचे एक लेयर और है, लेकिन उसको नहीं करना है। इसको अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा लेयर को वाइट कर दूंगा। क्यों वाइट करूँगा भाई, इधर से जाके इस वाले टूल में क्लिक करूँगा और देखेंगे यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा वाइट करूँगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है, ये चीज़ बेहतर से दिखना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको वाइट कर दूंगा। ये देखेंगे यहाँ तक मैंने वाइट कर दिया। अब मैं इस लाइन को भी हटाना चाहता हूँ, ये जो लाइन है इसको मैं हटा दूंगा। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो चीज़ें मैंने फर्स्ट में बताया था आपको, देखेंगे अभी मैंने क्या किया, इसके बाद ये लेयर तो बने हुए हैं, देखेंगे ये है ना, लेकिन इसको मैंने फैटन इमेज कर दिया, हिडन लेयर है देखो यहाँ पे। अब ये पॉपअप क्यों आया, वजह क्या है, देखो ये वाला लेयर को यहाँ से हिडन करके रखे अपन ने, इसलिए हिडन लेयर का पॉपअप आया था। अब इसको ओके करके ख़त्म, और फाइनली ये फोटो आपकी कंप्लीट, टेक्स्ट फेस का जो टाइपोग्राफी टेक्स्ट था, ये चीज़ हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको बनाया है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा है, और आप लोगों के साथ मैंने इसे शेयर किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा मैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। मैं आपसे बात करना चाहूँगा पर्सनली, अगर आप मुझसे बात करते हैं मैं भी आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप मुझे कुछ चीज़ें पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आइए। अगर आपको किसी भी अदर चीज़ों की जानकारी चाहिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जा सकते हैं thevickyshow.com में, और हर वो चीज़ हिंदी भाषा में आपको मिलेगी, वहाँ से चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। फिलहाल की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही यार। वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय भीम, थैंक यू।